हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को जो रेमेडी बताने वाली, वैसे आप लोगों ने टाइटल में गेस कर ही लिया होगा कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को, कि अपने सफेद बाल, जरूरी नहीं कि सफेद बाल, यहाँ तक कि अपने काले बालों को भी हम रेड कर सकते। मैंने एक ट्रायल के लिए मैंने किया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट, मैंने सिर्फ इसको 15 मिनट मैंने यहाँ पर रखा था अपने बालों पर, तो ये मेरे काफी ज्यादा रेड होना स्टार्ट हो गए। ये देखिए, मैं आपको जो है सामने दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ट्रायल करके देखा था, तो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो अपने बालों को रेड किया था, इस तरीके से मेरे जो है बाल रेड हो गए। ये सिर्फ मैंने 15 मिनट्स के लिए रखे थे। आप इसको जो है वन जो है लेयर लेके भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे मैंने हल्की हल्की जो है रेडिश कर रखा है ये इस तरीके से। जिस तरीके से मैं जो पेस्ट बनाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि किसको नहीं पसंद है कि अपने बालों में शाइनिंग लाए, रेड करना है। रेड मीन्स होता है बरगंडी कलर टाइप सा, उस टाइप सा आप अपने बालों को कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में मैं शेयर करती हूँ कैसे हम इस पेस्ट को बनाएं। मगर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कप डी का जो है पानी लेने वाली, ये मैंने ग्रीन टी डाल दी है, इसको मैंने बॉयल करना है 5 से 10 मिनट के लिए, और इसके पानी को मेरे को यूज करना है। यहाँ पर मैंने जो है ग्रीन टी का जो है वाटर मैंने बॉयल कर लिया है। मैंने इसके अंदर हमने जो है डाल देना एक बाउल के अंदर। मैंने इसमें जो है 1/2 कप मैंने ग्रीन टी ली थी, ये देखिए पानी जो मैंने बॉयल लिया है, और हल्का सा ये गुनगुना है, अभी गर्म हो चुका है, हल्का सा ये ठंडा होने वाला है। और इसके अंदर हमें ऐड करना होगा, इसके अंदर हमें ऐड करना है आंवला पाउडर। ये देखिए आंवला पाउडर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, 1 से 2 बड़े चम्मच। इसी को सेम क्वांटिटी हमें जो है मेहंदी की भी रखनी होगी। काफ़ी लोगों की जो है शिकायत आती है कि मेहंदी लगाने के बाद भी हमारे जो हेयर्स है जो अच्छे जो है रेड कलर नहीं आ रहा है। यह मैंने जो है 2 चम्मच इसमें डाल दिया है, 2 चम्मच हमें जो है मेहंदी पाउडर डालना है। देखिए, और हमें याद रखना है हमें नॉर्मल वाटर नहीं लेना, हमें जो है गुनगुना किया हुआ ग्रीन टी वाटर लेना है। और इसके अंदर मैं अब ऐड करने वाली हूँ, 2 चम्मच मैंने आंवला पाउडर मिलाया, 2 चम्मच मैंने मेहंदी पाउडर मिलाया, और मेरे को आधा चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर मुझे ऐड करना है इसमें। ये देखिए कॉफ़ी पाउडर भी इसमें ऐड करने वाली हूँ, और इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हो सके तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद ही आप इसको जो अप्लाई करें। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बाल जो इतने शाइनिंग करेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपके बाल अलग से ही चमकने लग जाएंगे। और अभी आप देखेंगे ये कलर जो है धीरे धीरे छोड़ने लग गया है, क्योंकि मेन इसके अंदर जो मैंने ग्रीन टी का वाटर और कॉफ़ी ऐड किया है वो इसके अंदर जो है हमारे बालों को अच्छे से कलर देगा, रेड करेगा, जैसा आपका मन चाह रेड होगा। आपको अगर इसको जो रखने के लिए आधा घंटा भी आप रखते हैं तो नॉर्मल जो है आपके रेड हेयर जो है शाइनिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा रखते हैं 1 से 2 घंटे तो आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि जैसे नई नई हम मेहंदी लगाते हैं हाथ पे जैसे रेडिश हो जाता है, वैसा उस टाइप के बाल हमारे रेड हो जाएंगे। कोई ऐसा लगेगा कि आपने कहीं पार्लर से जो है कलरिंग करवाई है अपने बालों पर। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके का ये पेस्ट बनाना है। कि ये पेस्ट मेरा जो है तैयार हो चुका है। आप इसको 3 से 4 घंटे आप इसको जो है ऐसे थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, आपके बाल जो है अच्छे से जो है कलर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप पीछे देख सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए पीछे रखी गई है, बच्चों को जितना मना करा जाए वो बिल्कुल नहीं मानते। चलिए इसको जो है अवॉइड कीजिएगा। और देखिए ये जो है मेरी रेमेडी तैयार हो गई। इस तरीके से आप लगाएंगे, जेल फॉर्म ही है एक तरह का ये, क्योंकि देखिए आप ये बिल्कुल जेल की तरह बन चुका है। आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो और अच्छे करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। देखिए इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आप इसको जो 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे रेस्ट दे दीजिए, और देने के बाद आप इसको जो है अपने बालों में लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए मैंने जो अभी अपने हेयर्स में लगाया था, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया वीडियो में, इस तरीके से आप अपने कम लेयर्स पे भी आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, से बाय।